गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पुराने क्रम में चलते हैं, मैं आपको 6 अलंकार पढ़ा चुका हूं। आज हमारा लास्ट अलंकार है और लास्ट अलंकार है हमारा ओनोमेटोपिया, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार को अगर समझना है तो सबसे पहली बात समझने की है कि कभी कभी तुमने देखा होगा सांप जो होता है वो फुस की आवाज निकलता है, तो हम समझ जाती है कि सांप फुसफुसा रहा है, तो ये इस जगह क्या होगा, सांप होगा। और कभी कभी तुमने देखा होगा मधुमक्खी या मक्खी जो भी होती हैं, अगर वो आपके कान के चारों तरफ अगर घूमती है तो एक आवाज भिन्न टाइप की आती है, भिन्न टाइप की, तो हम समझ जाते हैं ये क्या है। हम देखें ना फिर भी हम ये समझ जाते हैं ये क्या है, मक्खी है या मधुमक्खी है। इसी तरीके से इसी से रिलेटेड है, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार, यानी कि डेफिनेशन कहती है ओनोमेटोपिया इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि उसकी आवाज से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज आवाज कर रही है। जैसे हिंदी में कहते हैं ओनोमेटोपिया वह अलंकार है जिसमें किसी शब्द की आवाज से उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, यानी कि हम मालूम कर लेते हैं या पता कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये चीज यहां हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर द स्नेक आर हिसिंग, यानी कि जो सांप होता है वो फुसफुसाता है, फुस की आवाज आती है, यानी कि उसको फुसफुसाने को कहते हैं हिसिंग। एंड द बीज यानी कि मधुमक्खी आर द बुजिंग, यानी कि भिन्न बिनाना, यानी कि बुजिंग का अर्थ क्या है, भिन्न बिनाना। मधुमक्खी क्या करती है, भिन्न बिनाती है, हमारे अगर कान के चारों तरफ अगर घूम रही है तो भिन्न बनाने की भिन्न इस टाइप की आवाज आती है, तो हम समझ जाते हैं क्या हो सकता है, मधुमक्खी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं सवर्ड्स क्लीन, कभी कभी तो अगर पुरानी पिक्चर अगर देखी होगी तो उसमें राजा महाराजाओं की पिक्चर देखी होगी कि वो जब तलवार निकालते हैं किंच जैसी आवाज आती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्लीन। एंड द गन या बूम, यानी कि जो गन्स होती है बंदूक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, धाय, आवाज, जो आवाज करती है वो उसको हिंदी में कहते हैं धाय। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, उसका बूम, यानी कि अगर बूम की कहीं आवाज होती है बूंद की, तो हम समझ जाते हैं क्या चलिए, बंदूक चलिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।